व्यूअर्स, आज हम आपके लिए बना रहे हैं गुलगुले। शायद आप लोगों में से सारे लोग नहीं जानते हों, लेकिन ये भी एक यूपी की स्पेशलिटी है। शादियों में अक्सर रज्जगे होते हैं, रमज़ानों में दिल चाहता है मीठा खाने का, तो ये आटे से बनते हैं। तो आज हम गुलगुले बनाएंगे और उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये 1 कप हमने आटा लिया है, 1 टीस्पून तिल हैं, 2 टीस्पून सूजी है और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। अच्छा, ये गुड़ है जिसको हमने 1 कप गुड़ लिया था, इसी कप से लेवल 1 कप गुड़ लेके और यही वाला 1 कप पानी लेके हमने पानी में चूल्हे पे पका के इसको मेल्ट कर लिया है, तो ये 1 कप हुआ है। अब इससे हम ये गुलगुले का आटा गूंदेंगे, जितना भी इसमें लग जाएगा वो काफ़ी होगा, इसलिए कि मीठा अच्छा खासा पूरा 1 कप गुड़ है और ये आटा 1 कप है। तो हम इसको गूंदते हैं, सब इसमें डाल देंगे। ये 1 टीस्पून तिल हमने डाल दी इसमें, 2 टीस्पून ये सूजी डाल दी और ये 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दिया इसमें हमने। अच्छा, अब हम इससे गुड़ के पानी से इसको गूंदेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे। आधा हमने डाल दिया, समझिए। थोड़ा सा ये गाढ़ा ही होता है, बहुत पतला नहीं करते हैं इसे। पूरा भी चला जाए तो खैर है, वरना जितना भी जाएगा वो इसके लिए काफ़ी होगा, इसलिए कि गुड़ था अच्छा खासा, 1 कप में हमने मेल्ट कर लिया है। खूब हमें इसको अच्छी तरह फेंटना है कि इसमें कोई लम्स ना रहे बाकी। ये सूजी से और उससे बहुत बहुत से लोग इसमें खशखाश भी डालते हैं, लेकिन खशखाश नहीं डाली है मैंने, आप उसका अल्टरनेट कह लें कि सूजी डाल दी है मैंने। और ये सब चीज़ें ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो कुछ भी ना डालें, खाली आटा और बेकिंग पाउडर डाल के और गुड़ को इस तरह मेल्ट करके बना सकते हैं तो भी ये बहुत अच्छे बनेंगे, लेकिन ज़रा सा टेस्ट आ जाता है इसलिए डाल दिया इसमें। नारियल का बुरादा डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन जो असल जो बनते हैं वो तो सिर्फ खमीरी आटे के बनते थे। जब आटा खमीर हो जाता था तो उसको फेंट के इसी तरह गुड़ के पानी में और फिर उसको फ्राई करते थे। सारा ही लग गया है, समझिए थोड़ा सा बच गया है बस ज़रा सा। ये देखें, ये पूरा 1 कप गुड़ आ गया है इसमें, 1 कप आटे में, और ये इसके लिए बिल्कुल काफ़ी है। तो फेंटने के बाद इसको हम 10 मिनट छोड़ते हैं, उसके बाद हम इसको फ्राई करने जाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं वहाँ पर। 10 मिनट के बाद मिलते हैं आपसे फिर। जी, अब हम इसको फ्राई करते हैं। डालेंगे गोल गोल इसको थोड़ी देर के बाद पलटे हुए, जब ये उठ के अंदर के सब बाहर आ जाएंगे। इसमें
को कोई ये फुल्कियों की तरह नहीं होते, थोड़े से अनइवन भी होंगे तो चलेंगे। बस ये एक खेप डाल दिए। थोड़े से ये उठ के आ जाए फिर पलटते हैं। ये देखने से ये इधर के एक आध हो गए। बेकिंग पाउडर डालने से इसका टेक्सचर जो है वो थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, वरना ये बहुत कड़क अनरसे की गोलियों जैसे हो जाते। बस अब ये हो जाते हैं तो फिर हम उतार लेते हैं इसको, फिर आपको बताएंगे। ये हमारे गुलगुले बन के आ गए हैं। इसको आप कई दिन रख के भी खा सकते हैं और बहुत मज़ेदार हैं। आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले किया करें ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके फ्री में। और मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में नेक्स्ट रेसिपी के लिए। इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी पे फिर मिलते हैं आपसे।